मैसेज सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्स एंड पीक वेल वोल्टेज ऑफ 20 वोल्ट यूज टू मॉड्यूलेट ए कैरियर वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्स एंड पीक वोल्टेज 20 वोल्ट। ठीक है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स आपको निकालना है। कैसे निकालोगे इसमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स बताओ। AM/AC AM कितना है? 20 किलोवाट्स, नहीं, AM वोल्टेज है ना बेटा, एम्पलीट्यूड वोल्टेज। 20 वोल्ट। 20 वोल्ट फ्रीक्वेंसी ओके होती सर, है, और आपका जो कैरियर वेव है उसका भी पीक वोल्टेज 20 वोल्ट दिया हुआ है, देख रहे हो? यस सर। मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना हो गया? वन इतना तो क्वेश्चन आया था, जो पढ़ के नहीं गए थे बिल्कुल उनको ऐसे क्वेश्चन छोड़ने पड़े। ठीक है, तो आपके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पेपर में आता है बेटा, बताया ना, 6-7 पेपर होंगे तो 3-4 में निकल आता है एक क्वेश्चन। ठीक है, या लर्न एनसीईआरटी आर्टिकल वर्ड बाय वर्ड, तो फिर मैंने लिख भी दिया है, अब अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, ऊपर ले लिया है सारा, फिर भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। थोड़ा सा और उसने आगे का बता रखा है बट वहां से पूछा नहीं है। ये क्या क्वेश्चन है, एक बार देखो। ये द ट्यून सर्किट ऑफ ऑसिलेटर इन ए सिंपल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर ट्रांसमीटर इम्प्लॉयज। हाँ, ये ध्यान रखना है कि कॉइल का इंडक्टेंस दे रखा है और ये कैपेसिटर दे रखा है। कैलकुलेट द रेंज ऑक्यूपाइड बाई द साइड बेंड्स। तो ये क्यों दिया है इसने, इसकी जरूरत नहीं है, अभी बताएंगे। अभी जैसे आपके कॉइल की फ्रीक्वेंसी दे दे, इंडक्टेंस और कैपेसिटर दे दे, ठीक है, तो कभी भी फ्रीक्वेंसी आप निकालनी हो ना, ये ट्यून सर्किट वर्किट वही है कि इसमें ट्रांजिस्टर और ये सब यूज होते हैं, तो एलसी ऑसिलेशन जैसा मैंने बताया था वो सर्किट भी यूज होता है। ठीक है, तो कभी मॉड्यूलेटर की ट्यून्ड फ्रिक्वेंसी अगर कभी भी पूछेगा तो वही फार्मूला है हमेशा जो उसका एलसी ऑसिलेशन का होता है, इसके अलावा कुछ नहीं था। ठीक है, तो कभी आपसे वैसे ही पूछ ले कि ट्यून्ड मॉड्यूलेटर की फ्रिक्वेंसी बताओ, तो इसके अलावा तो कुछ आता ही नहीं है आपको, तो यही होगा, आपको इंडक्टेंस दे रखी होगी, कैपेसिटेंस दे रखी होगी, ठीक है, और एल और सी दे रखे होंगे। तो ये तो यथासंस हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, बड़ी क्या कह रहा है भाई, ऑडियो फ्रीक्वेंसी अप टू 10 M kHz कैलकुलेट द रेंज ऑक्यूपाइड बाई द साइड बैंड्स, फर्स्ट पेयर ऑफ साइड बैंड्स। मिक्स हो गया प्रॉब्लम, देखो इस वाला देखो एक बार, ऑडियो सिग्नल है आपका इतने हर्ट्स का है, कैरियर जनरेटेड बाई टैंक सर्किट, तो ये टैंक सर्किट फ्रीक्वेंसी या कोई से भी सर्किट की फ्रीक्वेंसी पूछे, फ्रीक्वेंसी यही है बेटा। ठीक है ना, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट पेयर ऑफ साइड बैंड। ठीक है, तो आप एफ सी निकाल लो। ठीक है ना, फर्स्ट पेयर ऑफ साइड बैंड पूछ रहा है, तो आपने फ्रीक्वेंसी आपको मैसेज सिग्नल की दे रखी है। ठीक है, और जो आप कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, ठीक है ना, कैरियर देखो कैसे जनरेट हो रही है, कैरियर जनरेटेड बाय द टैंक सर्किट, तो ये ध्यान रखना है बेटा, ये सब फ्रीक्वेंसी जनरेशन वेव जो होगी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी, तो हमको एक ही तरह का जनरेटर पता है, वही अपने एलसी ऑसिलेशन। ठीक है ना, तो ये आपको मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी दे दी, ऑडियो सिग्नल ऑफ 15,000 हर्ट्स, इसमें भी वही है, टैंक सर्किट वाला फंडा है, बट पता नहीं क्या कह रहा है वो, इसका है कि और किसी का, तो इसको यहीं तक करेंगे हम। ठीक है ना, इसके बाद यहाँ देखो आप, ऑडियो सिग्नल ऑफ इतने हर्ट्स मॉड्यूलेट से कैरियर जनरेटेड बाई टैंक सर्किट कंटेनिंग इतना कैपेसिटर और इतना इंडक्टर, तो यहाँ पे ये मत समझना आपको आता ही नहीं। ठीक है, कुछ नहीं है, कैरियर वेव जो जनरेट की है इस टैंक सर्किट से, तो इस टैंक सर्किट की फ्रिक्वेंसी क्या है, हमेशा ओमेगा इक्वल टू 1/√LC, जो एलसी ऑसिलेशन की होती है, इसको 2 πf लिख दो, ये फ्रिक्वेंसी भी पता होंगी। ठीक है, तो आपको मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी भी पता है और आपको कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी भी पता है, तो साइड बैंड की फ्रीक्वेंसीज क्या हो जाएंगी, FC+FM एंड FC-FM, तो ये बहुत प्रॉबेबल क्वेश्चन है इस तरह का आपके मेंस के एग्जाम। ठीक है, इस तरह का बिल्कुल आ सकता है, तो इसका पर्पज यही था कि आपको ये पता पड़ जाए कि टैंक सर्किट या कोई भी एल और सी दे दे, तो वहां पर एलसी ऑसिलेशन वाला जो फ्रिक्वेंसी वाला फार्मूला है
किसने एलसी ऑसिलेशन नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, ईएमआई में पढ़ेंगे। अभी याद रखो ओमेगा क्या होता है, 1/√LC, ठीक है। तो ऑडियो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी दे रखी थी आपको 15,000 हर्ट्ज, मॉड्यूलेट से कैरियर जनरेटेड, अब यहाँ से समझ जाना है आपको, जनरेटेड बाय टैंग सर्किट। तो यहाँ पर कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली गिविन नहीं है, आप टैंग सर्किट की फ्रीक्वेंसी से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो फिर आपका एफएम और एफसी दोनों आ गया, एफएम और एफसी दोनों आ गया, तो आपकी रेंज क्या आ जाएगी साइड बैंड्स की, एफसी प्लस एफएम एंड एफसी माइनस एफएम, ठीक है।